क्या आपको पता है ये महाबोधि मंदिर जहाँ सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ उस जगह का नियंत्रण बौद्धों के पास न होकर हिंदुओं के पास है। 1956 में बाबा साहब के धर्मांतरण के बाद भारत में करोड़ों की संख्या में बौद्ध है, लेकिन आज तक महाबोधि विहार बौद्धों के नियंत्रण में नहीं है। पूरे विश्व में सिर्फ बोधगया विहार ही ऐसी धार्मिक जगह है जिसका नियंत्रण अन्य धर्म यानी कि हिंदू करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल वाले आइकॉन को दबा दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। क्या है महाबोधि टेम्पल एक्ट? इसके अनुसार एक कमिटी में 4 बौद्ध और 4 हिंदुओं का चयन 3 साल के लिए होता है। गया मैजिस्ट्रेट और बुद्ध गया के शंकराचार्य मठ के लिए भी महंत का चयन होता है, जिसका भी मुखिया हिंदू ही होगा। ज़्यादातर लोग जो महाबोधि मंदिर का नियंत्रण करते हैं वो हिंदू होते हैं। महाबोधि विहार जहाँ है वहाँ 12वें दशक तक पाल वंश बहुत तेज़ी से महायान पंथ से चल रहा था, उनके महाबोधि विहार का संगोपन किया। लेकिन हिंदू सेना ने जब पाल वंश का पराभव किया और बौद्धगया के आसपास मुस्लिम सैनी ने आक्रमण किया, महाबोधि विहार दुर्लक्षित हो गया। आगे की कुछ सालों में मठाधिपति या महंत विहार के मूल मालिक है ऐसा दावा करने लगे और उन्होंने विहार पर कब्जा कर लिया। इसमें भारत में जब ब्रिटिश सरकार आई थी तब अलेक्जेंडर इनके द्वारा महाबोधि विहार जीर्णोद्वार करना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद 1891 को श्रीलंका के बौद्ध गुरु अनगरिका धर्मपाल इन्होंने विहार का हक बौद्ध को फिर से दिया जाए ऐसी मुहिम चलाई। 1949 को इस आंदोलन को कुछ प्रमाण में यश प्राप्त हो गया। तब बिहार का हक हिंदू महंता से छीनकर बिहार सरकार के पास आ गया। सरकार ने एक समिति की स्थापना की। उस समिति में 9 सदस्य थे और उसमें अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा सभासद हिंदू होने ही चाहिए ऐसा कानून बनाया। महाबोधि विहार पर विदेशी बौद्धों की नज़रें हमेशा रहती हैं। कई बौद्धों ने महाबोधि मंदिर को नियंत्रण सिर्फ बौद्धों को दिलाने के लिए आंदोलन भी किया, लेकिन भारतीय सरकार ने सिर्फ ढिलाई दिखाई ताकि मामला लंबा खींचे और नियंत्रण हिंदू ही करते रहे। दिल्ली में जब संत रविदास जी की मंदिर के गिराए जाने के विरोध में जितने लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन भारतीय मीडिया ने और जो हिंदू एकता की बात करते हैं उन्होंने इनको नज़रअंदाज करके लाठियां भी बरसाईं। अगर इतने ही लोग महाबोधि विहार के लिए आंदोलन करते हैं तो यह खबर भले ही भारतीय मीडिया न दिखाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जरूर दिखाएगी और नवबौद्धों का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। बौद्धों को यह समझना ही होगा कि सिर्फ संविधान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, बुद्ध और उनका धम्म पढ़ने से होगा। बेमतलब जयभीम चिल्लाने से सब कुछ नहीं होगा, असल जीत के बाद जयभीम बोलना ही गर्व की बात होगी। बाबा साहब के मिशन को पीछे से धक्का लगाकर जयभीम बोलना बेवकूफ़ी है। बाबा साहब के द्वारा शुरू की गई धर्म क्रांति एक दूरदृष्टि वाला कदम है। आज अलग अलग पहचान मिल गई है, बहुजन, मूल निवासी, दलित, SC। बाबा साहब अंत में धर्म क्रांति ही तो चाहते थे। जयभीम मतलब बाबा साहब की जीत हुई, लेकिन क्या जातिवाद मिट गया? क्या भेदभाव मिट गया? ये कैसी जीत है? सोचो, खुद जागरूक हो जाओ, दूसरों को भी करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।